नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धान की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम के उपाय। अच्छे उत्पादन के लिए फूलगोभी की फसल में पोषक तत्वों का प्रबंधन। प्रदेश के जिन किसानों ने धान की फसल लगा रखी है, उनकी फसल कहीं बढ़वार तो कहीं पुष्पन अवस्था पर है। लेकिन इस मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कई प्रकार के रोग देखने में आ रहे हैं, जिनका सही समय पर नियंत्रण नहीं करने पर पैदावार में भारी कमी आ सकती है। तो चलिए धान की फसल में रोगों की रोकथाम के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र तुर्की मुजफ्फरपुर की कृषि विशेषज्ञ बीसी अन्नू से। धान में प्रमुखतः लगने वाले रोग और कीटों के विषय में आपको जानकारी दूंगी। धान में प्रमुखतः इस समय में जो और रोग लग रहे हैं, उनमें मुख्यतः जो रोग हैं वह हैं फॉल्स मट और शीथ ब्लाइट रोग। फॉल्स मट रोग में क्या होता है कि जो अगेती फसल है हमारी, किसानों ने जो हमारे किसान भाइयों ने लगाई हुई है, उनकी जो किस्में हैं जो ऊंची और मध्य भूमि पर लगती है, राजेंद्र भगवती और राजेंद्र नीलम, उनमें अब जो है बालियां आनी शुरू हो गई हैं। और उनमें क्या होता है कि अभी जो बारिश अत्यधिक बारिश आ रही है, उनकी वजह से जो है धान में जो बालियां हैं उनमें हरे और पीले रंग के बड़े दाने आने शुरू हो गए हैं, जो आगे चल करके काले हो जाएंगे, जिनकी वजह से जो है उसे हम फॉल्स मट रोग कहते हैं, जिनकी वजह से जो है हमारे जो ईल्ड है हमारे उसमें नुकसान होगा। तो उसके रोकथाम के लिए सर्वप्रथम जो है हमें क्या करना चाहिए कि बीजोपचार तो करना ही चाहिए, उसके साथ साथ कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% का मिश्रित कवकनाशी का स्प्रे एक करना चाहिए, जिसकी दर है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, उसमें छिड़काव करना चाहिए। यदि समस्या आगे फिर से आती है तो प्रथम स्प्रे के 15 दिवस बाद फिर दोबारा से सेकेंड स्प्रे करना चाहिए। सफेदा रोग, ये फसल में लौह तत्व की कमी के कारण होता है। इस रोग के लक्षण की बात करें तो इसके प्रकोप से नई पत्तियां कागज जैसी सफेद निकलती हैं। बता दें कि धान में ये रोग नर्सरी तैयार करते वक्त अधिक लगता है। इस रोग के निदान के लिए 20 किलोग्राम यूरिया 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा आप इसके नियंत्रण के लिए 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया अथवा 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने को प्रति हेक्टर लगभग 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अब जो दूसरा रोग जो आता है वह है शीथ ब्लाइट रोग। इस रोग में क्या होता है, यह बिहार के कंडीशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है अभी के समय में। तो इस रोग में सर्वप्रथम जो है जो पत्रावरण है वहाँ पर जो है हरे भूरे रंग के जो है धब्बे हो जाते हैं। उस वजह से क्या होता है कि यह जो धब्बे हैं वो धीरे धीरे करके जब इनको अनुकूल वातावरण मिलता है तो यह जो है रोग आगे पूरे पौधे में फैल जाता है। इसकी वजह से जो है हमें बहुत फसल को काफ़ी क्षति पहुँचती है। तो इस वजह से जो है इसका जो हम सबसे ज़्यादा इसके प्रबंधन के लिए क्या करते हैं कि बीजोपचार करते हैं ट्राइकोडर्मा से, जिसका जो है ये एक जैविक कवकनाशी है, जिसका जो है 5 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से हम जो है बीजोपचार करते हैं। और दूसरा है कि हम कार्बेंडाजिम 50% WP का जो है हम एक स्प्रे कर सकते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके, उससे जो है, और दूसरा स्प्रे ठीक 15 दिवस बाद दूसरा छिड़काव करना चाहिए इससे। धान का खैरा रोग, ये समस्या जस्ते की कमी के कारण होती है। इस रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और बाद में पत्तियों पर कत्थई रंग के छिटकवा धब्बे उभरने लगते हैं। रोग की तीव्र अवस्था में रोग ग्रसित पत्तियां सूखने लगती हैं, कल्ले कम निकलने लगते हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है।
समस्या आती है जिसे हम कहते हैं कि ये कीट और रोग किससे संबंधित नहीं है, यह है खैरा रोग। जो जिंक की मात्रा जो मृदा में हमारी डेफिशिएंसी हो जाती है, जो कमी हो जाती है, उसकी वजह से जो खैरा रोग आता है उसकी वजह से हम क्या करना, उसकी वजह से जो हमारा फसल होता है उसमें पहले पत्ते पीले हो जाते हैं और बाद में जाके कत्थई हो जाते हैं। तो उससे हमें निदान पाने के लिए, जो प्रबंधन के लिए, जो हमारा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो जिंक सल्फेट है और बुझा हुआ चूना, उसका 100 ग्राम जिंक सल्फेट और 50 ग्राम बुझा हुआ चूना की मात्रा 15 से 20 लीटर पानी में मिला करके आपको स्प्रे करना चाहिए। इससे जो है ये जो रोग है, खैरा रोग जो है जिंक डेफिशिएंसी वाली, इससे निदान मिलेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। फूलगोभी काफी लोकप्रिय फसल है जिससे किसानों को काफी मुनाफा भी होता है, लेकिन कई बार सही उर्वरक प्रबंधन नहीं करने पर फसल में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिससे फूलगोभी की क्वालिटी खराब होती है और बाजार में किसानों को ऐसे उत्पाद का अच्छा दाम नहीं मिलता। इसलिए फसल में उर्वरकों का सही प्रबंधन कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शरीन अख्तर। आज हम लोग बात करेंगे फूल गोभी के पोषक तत्व के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फूल गोभी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जी है और कोई भी सब्जी के अच्छे उत्पादन के लिए पोषक तत्वों का देना बहुत ज़रूरी होता है। खाद पानी अगर पाएगा फसल तभी उसमें उत्पादन अच्छा होगा, है ना। जीव जगत में जिस तरह से प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पौधों को भी अपने वृद्धि, प्रजनन और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों के उपलब्ध न होने पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है और फसल में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगते हैं। तो इसमें जो है पोषक तत्वों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और लगाने के समय पे हम लोग खेत जब भी तैयार करेंगे उस समय पे जो है 20 से 25 टन का जो है प्रति हेक्टेयर के रेट से हम अच्छे से सड़ा हुआ जो है गोबर की खाद मिलाएंगे। ये लैंड प्रिपरेशन के टाइम पे होगा और इसको अच्छे से जब लास्ट जुताई होगी उस समय पे खेत में मिला लेंगे और खेत तैयार कर लेंगे। उसके साथ साथ में जो है जब हम लोग रोपाई करने जाएंगे, रोपाई करने से जो है 2-3 दिन पहले जो हम लोग बेसल डोज अप्लाई करेंगे, लगभग NPK जो का जो मात्रा है वो 120 किलो NPK N नाइट्रोजन और 80 किलो का जो है फॉस्फोरस और 80 किलो का पोटाश, ये पर हेक्टेयर लगता है। तो ये NPK तो है सिर्फ NPK मात्रा में, और इसमें जो अगर हम लोग यूरिया और DAP ऐसे अगर सोचे तो हम लोग अगर DAP यूज़ करना चाहेंगे तो 174 किलो हम लोग DAP यूज़ करेंगे एक हेक्टेयर के लिए, साथ साथ में जो है 133 किलो MOP यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ में 65 किलो यूरिया, ये बेसल डोज के तहत हम लोग लगाने से पहले देंगे। और बाकी भी जो है 128 किलो हम लोग यूरिया और देंगे ये जो है लगाने के 30 दिन पे के बाद में। तो ये प्रति हेक्टेयर के रेट से है और आप लोगों को जितना एरिया में लगाना होगा उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम लोग SSP यूज़ करते हैं
तो डीएपी में तो नाइट्रोजन और फॉस्फेट दोनों एक साथ में रहता है, अगर एसएसपी यूज़ करते हैं तो एसएसपी के लिए मात्रा कुछ अलग हो जाएगी। इसमें जो है बेसल डोज में हम लोग 130 किलो यूरिया देंगे, साथ साथ में जो है एसएसपी के लिए 500 किलो जो है एसएसपी एक हेक्टेयर के लिए और 133 किलो का एमओपी देना पड़ेगा, और रिमेनिंग और भी 130 किलो जो है यूरिया इसको हम लोग फिर टॉप ड्रेसिंग के तौर से 30 दिन के बाद अप्लाई करेंगे इस क्रॉप में। साथ साथ में फूल गोभी में सूक्ष्म जो पोषक तत्व है उसकी भी काफ़ी महत्व है, क्योंकि हम लोग देखते हैं काफ़ी सारा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं इसमें, ब्राउनिंग होती है, फिर विपटेल होती है, कुछ अगर शोषक सूक्ष्म पोषक तत्व अगर कम होती है तब ये सब होने लगता है। फूल गोभी की फसल में बटने की समस्या, फूलों के पकने से पूर्व फूल छोटे रहकर फटने लगते हैं और पौधे का विकास भी सामान्य नहीं होता। अगेती जातियों को देर से बोने पर ये भी समस्या दिखाई पड़ती है। वीप टेल की समस्या, अम्लीय भूमि में पौधे को मॉल्बिडेनम तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने पर पत्र दल का उचित विकास ना होकर केवल मध्य शिरे का ही विकास होता है, जिसे वीप टेल कहते हैं। मॉल्बिडेनम में कमी से पौधों की पत्तियां मुड़ी हुई और किनारे से सफेद होने लगती हैं, जो बाद में मुरझाकर गिर जाती हैं। बीज का फूल वाला भाग अनियमित रूप से बढ़ जाता है और फूलों का विकास नहीं होता। फसल में दैहिक विकार की समस्या से बचने के लिए मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। बुआई के समय अनुसार प्रजातियों का चयन करें। साथ ही फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों का घोल बनाकर छिड़काव करें। तो इसके लिए जो है हम लोग अगर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो मिक्सचर होता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर लगभग 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर और उसके साथ में एक बोरोन का 1 ग्राम प्रति लीटर का अगर साथ ही साथ में घोल बना के स्प्रे करते हैं लगभग 40 दिन पे, तो जो फसल है इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है होता है, कार्ड भी जो है सफ़ेद होता है, कॉम्पैक्ट होता है और काफ़ी बड़ा होता है और गुणवत्ता इसका मेंटेन रहता है। और कभी कभार हम लोग देखते हैं कि इसमें ब्राउनिंग हो जाती है, गोभी में ब्राउनिंग होती है तो पत्ते में जो है भूरा भूरा धब्बा होता है, जल भरा हुआ धब्बा ऐसे लगता है और गोभी के ऊपर भी भूरा रंग का स्पॉट आ जाता है तो वो ब्राउनिंग कहलाता है। तो ये मेनली होता है बोरोन की कमी के वजह से, और ये ऐसे अगर स्थिति है सॉइल टेस्टिंग भी करवाना ज़रूरी है। सॉइल टेस्टिंग करा के अगर आपको लग रहा है कि बोरोन की कमी है तो फसल में लगाने से पहले ही जो है 10 से 15 किलो बोरैक्स यूटिलाइज करना चाहिए, और बोरैक्स को आप फसल लगाने से पहले उसको मिला दीजिए, और फसल लगाने के बाद में अगर आ गया है तो आप स्प्रे कर सकते हैं उस केस में 2.5 से 3 ग्राम बोरोन पर लीटर। एक और प्रॉब्लम रहता है जो है मॉलिब्डेनम की कमी से, तो उसमें विपटेल नाम की भी एक डिसऑर्डर आती है और इसमें जो है मॉलिब्डेनम की कमी रहती है तो इसीलिए होता है। तो इसकी इससे जो है मुक्ति पाने के लिए जो है हम लोग सोडियम मॉलिब्डेट या एमोनियम मॉलिब्डेट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम पर लीटर का जो है हम लोग घोल बना के अगर स्प्रे करते हैं तो इस विपटेल से हम लोग का मुक्ति मिल सकता है। साथ साथ में जो है वेजिटेटिव स्टेज जब रहता है तो इसमें अच्छे से ग्रोथ होगा तभी जो है फूल अच्छे से आएंगे। तो इसके लिए जो है आपको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है जो घुलनशील फर्टिलाइज़र होता है एनपीके 19-19-19 हम लोग पाते हैं उसका 5 से 7 ग्राम प्रति लीटर के दौर से हम करके घोल बना के इसमें लगभग 40 से 45 दिन पे अगर क्रॉप में एक स्प्रे करते हैं तो फसल बहुत अच्छा होता है और जो हमारा कर्ड होगा जो फूल गोभी होगी उसका भी क्वालिटी बहुत अच्छा होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
के फूल सबका मन मोह लेते हैं, इसलिए बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। किसान खुले खेत और पॉली हाउस में इसकी खेती करते हैं और इससे अच्छी क्वालिटी के अधिक फूलों की प्राप्ति के लिए इस समय फसल में कुछ जरूरी कार्य जैसे खाद उर्वरकों का प्रयोग, पौध सुरक्षा उपायों को करना जरूरी होता है, जिसके बारे में बता रही हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर रायमणि हेम्ब्रम। आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी गुलाब के पौधों की, जिनकी संरक्षित खेती की जाती है यानी पॉली हाउस में खेती की जाती है, और इस वक्त क्या क्या प्रक्रिया की जाती है गुलाब की पैदावार को बढ़ाने के लिए, उसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगी। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी कि गुलाब के जो पौधे हैं उनकी जो बढ़वार को बढ़ाने के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो जनरली 15 से 28 डिग्री सेल्सियस की होती है, लेकिन तो इस तापमान को घटाने के लिए पॉली हाउस में शेड नेट का प्रयोग करना चाहिए, जो हरे कलर का आता है, ग्रीन कलर का आता है, उसे आप ऊपर में लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो सूर्य की रोशनी है वो फिल्टर होंगी और बहुत जो तापमान है वो काफ़ी अधिक नहीं रह पाएगा। इसके अलावा यह भी ज़रूरी है कि सिंचाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आप हर दो दिन तीन दिन में सिंचाई देते रहिए ताकि पौधे को किसी भी तरह की नमी की कमी ना हो। इसके अतिरिक्त उत्तम किस्म के फूलों को प्राप्त करने के लिए सिंचाई के साथ उचित मात्रा में उर्वरक पौधों को देते रहना चाहिए। इसमें नीम की खाद और हड्डियों का चूरा इसके लिए अधिक प्रभावी होता है। इसके अलावा यूरिया, फास्फेट और पोटाश भी उचित मात्रा में देने पर पैदावार में काफी फर्क देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप 15 दिन में या फिर एक महीने में पौधे की निकाई गुड़ाई करते रहिए ताकि सिंचाई की वजह से जो आप लगातार सिंचाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो है मिट्टी सख्त ना हो जाए और पौधों को अच्छी हवा मिले, पौधे के जो जड़ है उनको अच्छी तरह से हवा मिले। जैसे सबसे पहला डिसबडिंग जो बोला जाता है, जो हमारा गुलाब है एचटी रोज़, वो मुख्यतः एक तने पे अगर एक ही फूल आए तो ज़्यादा उसकी मार्केट में वैल्यू रहती है। तो कभी भी आप जब देखिएगा कि पत्तों के जहाँ पत्ते तने से जुड़े होते हैं उस जगह से अगर आपका दूसरा कोई कली निकल रहा है तो आप उसे तुरंत से हटा दीजिए, तो इसे डिसबडिंग कहते हैं, ठीक है, जो जिसमें कली को आप हटा दिया जाता है। दूसरा होता है डी शूटिंग। डी शूटिंग का मतलब होता है जो ऐसे तने जिसमें आपके फूल नहीं आ रहे हैं, जो काफ़ी कमज़ोर हैं देखने में या फिर उनमें बीमारी लग गई है, तो ऐसे जो तने हैं इनको आप हटा दीजिएगा, तो इसे डी शूटिंग कहा जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी पोषक तत्व है जो इन तनों पे जा रही होती है वो आपके ऐसे तनों पे जाएंगी जिनमें फूल लगे हुए हैं, तो उनकी जो है ग्रोथ भी अच्छी तरीके से हो सकेगी। वहाँ से एक बीमारी लगने लगती है जिसको बोलते हैं डाईबैक। वहाँ से क्या होता है कि तना सूखने लगता है जहाँ आपने कट किया था, तो इस बीमारी को रोकने के लिए क्या करना होता है, बेवेस्टिन का पेस्ट बना के आप लगा सकते हैं या फिर बेवेस्टिन रसायन का आप छिड़काव कर सकते हैं जो कि 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से होता है। इसके अलावा एक बीमारी आती है ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट में क्या होता है कि काले रंग के धब्बे बने रहते हैं पौधे के पत्तियों में, काले धब्बों के किनारे किनारे एक पीला कलर का बाउंड्री रहता है, तो जब इस तरह की आप चिन्ह देखेंगे पौधे में तो समझ जाना चाहिए कि आपका ब्लैक स्पॉट बीमारी लग गई है गुलाब में। इसको कंट्रोल करने के लिए आप मैनकोजेब हो गया या कार्बन डाइजिम हो गया, इस तरह के रसायन का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल मिला के छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गुलाब की फसल में भभूतिया रोग का भी प्रकोप होता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियों, टहनियों और फूलों पर भूरे रंग का पाउडर दिखाई देता है। अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां काली पड़कर सूख जाती हैं, जिससे फूलों की गुणवत्ता खराब होने से उत्पादन में कमी आती है। तो आप रोग के नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। एक इस वक्त गर्मी के वक्त एक बहुत ही जो है काफ़ी प्रॉब्लम होती है एक कीट से जिसे माइट कहा जाता है, रेड स्पाइडर माइट, ठीक है। आप इन कीड़ों को कैसे पहचानिएगा, जब आप देखिएगा पौधे में तो उनमें एक तरह से जाली बन जाती है, ठीक है। तो इस जाली बनने की वजह से ये जो कीड़े हैं ये पत्तों के नीचे तरफ ज़्यादा रहते हैं,
तो इससे क्या होता है, ये पौधे का रस चूसते हैं, इसकी वजह से जो पौधे की बढ़त होती है वो काफ़ी हद तक रुक जाती है और जो पत्तों में धब्बेदार सफ़ेद सफ़ेद रंग के धब्बे बन जाते हैं, फूल की बढ़त नहीं हो पाती है, तो इस वजह से वो पूरी पौधे की जो बढ़त को काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये इस तरह के जब कीड़े को आप देखिएगा, पहचानिएगा पौधे में, तो इनको इनका निवारण करने के लिए आप एक डाइकोफॉल नाम का एक आता है रसायन, उसका आप एप्लीकेशन कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर से। तो अभी आपको मैंने जितनी भी बातें बताई, इन सभी बातों का अगर आप किसान भाई बहुत अच्छी तरीके से पालन करते हैं तो इससे गुलाब की पैदावार काफ़ी अच्छी हो जाएगी, काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी और आपको इससे मुनाफा भी काफ़ी होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बिजौल जिला कटिहार के कृषक किशन लाल ने। ये मिर्च की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो किशन लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मिर्च एक मसाला वाली फसल है। हरी मिर्च की मांग सब्जी बाजारों और मंडियों में हमेशा बनी रहती है। मिर्च का उपयोग सब्जी, अचार, चटनी और दवाएं बनाने में किया जाता है। इसकी खेती करने वाले किसान अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। वैसे तो मिर्च की खेती हर प्रकार की जलवायु में हो सकती है, लेकिन इसके लिए गर्म और आंध्र जलवायु उपयुक्त मानी गई है। इसके पौधों के लिए ज्यादा ठंड व गर्मी दोनों ही हानिकारक होते हैं। मिर्च की खेती के लिए 6.5 से 7.5 pH सर्वोत्तम माना जाता है। वैसे तो हरी मिर्च की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो, वो मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी गई है। किसी भी फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए किस्मों का चुनाव करना महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों द्वारा मिर्च की खेती के लिए किस्मों का चुनाव अपने क्षेत्र के अनुसार ही करना चाहिए। काशी अनमोल, काशी विश्वनाथ, जवाहर मिर्च, अर्का सुफल, गायत्री प्रिया, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार और भाग्य लक्ष्मी का चयन करके किसान भाई खेती कर सकते हैं। मिर्च की संकर किस्में काशी अर्ली, काशी हरिता, उजाला, तेजस्विनी, अग्नि, चैंपियन, सूर्या की खेती करके किसान अधिक पैदावार ले सकते हैं। सामान्य बीज की मात्रा 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर लगती है और मिर्च की हाइब्रिड किस्मों के लिए बीज की मात्रा 200 ग्राम से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। मिर्च के बीज की बिजाई करने से पहले उसको उपचारित कर लेना चाहिए ताकि बीज का अंकुरण सही हो। बीज को 3 ग्राम थीरम और 2 ग्राम कार्बिडिज्म प्रति किलो बीज से उपचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार से 3 से 4 सप्ताह में नर्सरी पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। मिर्च की फसल के लिए खेत की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद 25 टन प्रति हेक्टेयर डालकर खेत में अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। उर्वरक में यूरिया 137 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 187 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा पौध रोपाई के समय खेत में डालते हैं और बाकी बची नाइट्रोजन खड़ी फसल में डालते हैं। मिर्च की पौध की रोपाई करते समय पौधे से पौधे की दूरी का ध्यान रखें। किसान को लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी 60x45 और 45x30 सेंटीमीटर पर रोपाई करनी चाहिए। रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई की मात्रा मिट्टी और मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है। इस प्रकार किसान मिर्च की खेती करके हरी मिर्च की सामान्य किस्मों से औसत उपज 125 से 250 क्विंटल और संकर किस्मों से 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889263 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।